सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियोस भी देख रहे होंगे और वीडियोस देखकर अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 13 बहादुर भीम। बच्चों, ये पाठ हम पढ़ चुके हैं, इसका हम अभ्यास कर रहे थे। तो बच्चों, कल हम कर रहे थे भाषा से का अभ्यास सात, जिसका पहला दोनों प्रश्न हम कर चुके थे। एक बार फिर उसे करके दोहराएंगे, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, सही करके लिखो। हमें यहाँ पे सही करके दिए हुए वाक्य को सही करके लिखना है। तो बच्चों, पहला वाक्य हमारा है क भी हमारे पास है, राजा पांडु के क पे ए की मात्रा के, पांच प पे आ की मात्रा पांच, बेटा ब पे ए की मात्रा बे, ट पे आ की मात्रा टा था। राजा पांडु के 5 बेटा था। हम यहाँ पे इसके उत्तर में लिखेंगे राजा, र पे आ की मात्रा राजा पांडु। अच्छा, ऐसा कुछ है जो आपको इस वाक्य में सही नहीं लग रहा है। बच्चों, राजा पांडु के 5 बेटा था। अब बच्चों, बेटा एक है तो उसके साथ हमने था लगाया, लेकिन बेटा यहाँ पे कितने हैं? 5 हैं। तो 5 के साथ बेटा नहीं होगा, बेटे होगा, क्योंकि बेटा का मतलब एक बेटा। हम बात कर रहे हैं 5 बेटे की, तो यहाँ पे बेटा की जगह बेटे होना चाहिए, क्योंकि जब बेटा एक से अधिक है तो हम वहाँ पे बेटा की जगह बेटे लगाते हैं। बेटा का प्रयोग हम एक के साथ करते हैं और बेटे का प्रयोग हम एक से अधिक के साथ करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि बेटे एक से ज्यादा हैं, इसलिए यहाँ बेटा शब्द की जगह हम बेटे शब्द का प्रयोग करेंगे और उसके साथ हम लिखेंगे थे। तो राजा पांडु के 5 बेटे, पांडु ड पे छोटे उ की मात्रा, पांडु क पे ए की मात्रा के, 5 बेटे ब पे ए की मात्रा बे, ट पे ए की मात्रा टे, थ पे ए की मात्रा थे। अब यहाँ पे ये पूरा हमारा गलत है। इस वाक्य में 5 के साथ बेटा थे होना चाहिए, बेटा था नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे बेटा था को हटा करके बेटे थे करके इस वाक्य को सही करके लिख दिया है। उसके बाद हमारे पास है ख। ख भी हमारे पास है दूसरा वाक्य, जिसमें हमारे पास है गांव वाले राक्षस से बहुत परेशान थे। गांव वाले राक्षस से बहुत परेशान थे। तो हम यहाँ लिखेंगे ग पे आ की मात्रा गांव वाले राक्षस, स पे ए की मात्रा से, बहुत परेशान था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गांव वाले यानी एक से अधिक, वो सारे लोग जो उस गांव में रहते हैं, गांव में रहने वाले सभी के लिए यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया गया है। गांव वाले यानी बहुत सारे लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं। राक्षस से परेशान, बहुत परेशान था। तो यहाँ पे हम था का प्रयोग एक के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए हम यहाँ पे था की जगह थे का प्रयोग करेंगे। तो ये होगा गांव ग पे आ की मात्रा गांव वाले राक्षस, से स पे ए की मात्रा से, ब ख पे छोटे की मात्रा बुत परेशान, प र पे ए की मात्रा रे शा न परेशान, ख पर ए की मात्रा थे। गांव वाले राक्षस से बहुत परेशान थे। यहाँ पे था है,
था एक के साथ लगेगा और थे एक से अधिक के साथ लगेगा। तो गांव वाले मतलब बहुत सारे लोग, वो सारे लोग जो गांव में रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुवचन शब्द है तो उसके साथ थे लगेगा। उसके बाद हमारे पास है ग, ख के बाद है ग। ग में हमारे पास है राक्षस को बड़ा गुस्सा आया। हमारे पास वाक्य है राक्षस, राक्षस, राक्षस को बड़ा, ब र पे आपकी मात्रा रा, गुस्सा, ग पे छोटे की मात्रा आधा, स, स पे आपकी मात्रा गुस्सा, आ, आ, ई, राक्षस को बड़ा गुस्सा आई। अब बच्चों राक्षस क्या है यहाँ पे? यहाँ पे राक्षस पुल्लिंग है, यानी कि पुरुष है, मतलब हम इसे कह सकते हैं, हाँ पुल्लिंग है। तो यहाँ पुरुषवाचक है, यानी कि ये हमें पुरुष होने का बोध कराता है। तो पुरुष के साथ हम यहाँ पे आई नहीं लगाएंगे, आया, राक्षस को बड़ा गुस्सा आया। तो गुस्सा के साथ भी हम आया लगाएंगे, आई नहीं लगाएंगे। तो राक्षस को बहुत गुस्सा आया के साथ हम आई नहीं, आया लगाएंगे। तो ये हो जाएगा राक्षस, राक्षस, क पे ओ की मात्रा को बड़ा, व र पे आ की मात्रा रा, गुस्सा, ग पे छोटे ओ की मात्रा आधा, स पूरा, स गुस्सा, आ, य पे आ की मात्रा या, आया, राक्षस को बड़ा गुस्सा आया। तो ये पहले तीन वाक्य हैं। पहले वाले में राजा पांडु के पांच बेटा था। तो बच्चों यहाँ पे बेटा पांच था, इसलिए बेटा था नहीं लगेगा, बल्कि बेटे थे। और बेटे थे लिख करके हमने वाक्य को फिर से लिखा, राजा पांडु के पांच बेटे थे। अब यह वाक्य सही हो गया। उसके बाद गांव वाले राक्षस से बहुत परेशान था। अब गांव वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुवचन है, यानी कि बहुवचन के साथ फिर यहाँ था नहीं, थे लगेगा। तो हमने गांव वाले राक्षस से बहुत परेशान थे करके इस वाक्य को भी सही कर दिया। तो यहाँ पे हमने था, था इसको थे कर दिया। उसके बाद राक्षस को बड़ा गुस्सा आई, गुस्सा आई नहीं होता, गुस्सा आया। तो यहाँ पे हमने राक्षस को बड़ा गुस्सा आया करके इस वाक्य को भी सही कर दिया। तो इस तरह से पहले तीन वाक्य हमने सही कर लिए। चलिए हम आगे के वाक्य को भी सही कर लेते हैं। तो हमारे पास आगे हैं कुछ और वाक्य हैं, हम उसे भी लिख करके सही कर लेते हैं। अगला हमारा वाक्य है, आखिरी वाक्य है, दोनों ने जमकर लड़ाई शुरू हो गई। घ में हमारे पास है दोनों, द पे ओ की मात्रा दो, न पे ओ की मात्रा नो, मे, म पे ए की मात्रा मे, जमकर, ज, म, क, र, जमकर, ल, रा, ई, लड़ाई शुरू, शुरू, श पे छोटे ओ की मात्रा रू, हो गई, जम के लड़ाई शुरू हो गया, ग या, दोनों में जमकर लड़ाई शुरू हो गया। अब दोनों में जमकर लड़ाई शुरू हो गया नहीं होता, गई होता है। तो यहाँ पे गया की जगह हम गई कर देंगे। तो उत्तर हो जाएगा दोनों, द पे ओ की मात्रा दो, न पे ओ की मात्रा नो, में, जमकर, ज, म, क, र, जमकर, लड़ाई, ल, रा, ई, लड़ाई शुरू, श पे छोटे की मात्रा शुरू, हो, ग, ई, ग, ई, यहाँ लगेगा गया की जगह गई। और यहाँ पे हमने गया की जगह गली लिख करके इस वाक्य को भी सही कर दिया। तो बच्चों इस तरह से हमने सातवां सही करके लिखो कर लिया है। अब हम करेंगे हमारा अगला अभ्यास। तो बच्चों अगला अभ्यास जैसा कि हर पाठ में होता है हमारे पास है अब करने की बारी। अब करने की बारी में बच्चों हमारे पास कुछ प्रश्न दिए गए हैं, अब हम उन्हें पढ़ेंगे और पढ़कर उनका उत्तर समझेंगे। और आप इसे अपने एक्टिविटी कॉपी यानी कि अब करने की बारी के लिए जो कॉपी बनाया है उसमें लिख करके इसे आप पूरा करेंगे। तो यहाँ पे हमारा अब अभ्यास है अब करने की बारी, अब
करने करने की बारी। तो पे आ की मात्रा, र पे बड़ी की मात्रा, बारी। अब करने की बारी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, अब करने की बारी में हमारे पास है क प्रश्न, क में हमारे पास है। पहले हम विचार कर लेते हैं, अपनी बहादुरी का कोई कारनामा कक्षा में सुनाओ। अगर आपने भी ऐसा कोई काम किया हो जिसमें आपने किसी कोई बहादुरी का काम किया हो, या फिर आपने किसी की जान बचाई हो, या फिर आपने किसी के लिए ऐसा कोई काम किया हो जिसमें बहादुरी आपकी पता चलती है, या आपके बहादुर होने का पता चलता है, तो आप उसे अपने कक्षा में क्लास के बच्चों में सबको आप ये अपना किस्सा सुनाएंगे। उसके बाद ख, ख में हमारे पास है वीरता, पुरस्कार प्राप्त बच्चों की वीरता की कहानियां पढ़ो और सुनाओ। आपने बच्चों देखा होगा कि 26 जनवरी के समय या 15 अगस्त के समय बच्चों को बहादुरी का पुरस्कार दिया जाता है। वो बच्चे जो बहादुरी के काम करते हैं, कभी किसी को बचाया होता है, कोई ऐसा काम करा होता है जिसमें वो अपने शरीर का कोई अंग भी खो देते हैं, तो ऐसे काम किए होते हैं उनको बहादुरी का इनाम दिया जाता है। कभी कभी अपनी जान तक गंवा देते हैं, तो उन बच्चों को इनाम दिया जाता है, उन बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है। तो आप ऐसे बच्चों का पता लगाएंगे जिन्हें हमारे इस साल ऐसे पुरस्कार मिले हों, और उसकी एक सूची बनाएंगे। उसके बाद प्रश्न ग, प्रश्न ग में महाभारत की और कहानियां अध्यापिका से सुनो या पढ़ो। अब इन प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करो। तो हम महाभारत में ऐसी छोटी छोटी जो कहानी, एक कहानी हमने यहाँ पढ़ी है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ हैं जिसे मैं आपको समय समय पर सुनाती रहूँगी। और मैंने आपको महाभारत के मुख्य किरदारों के बारे में भी बताया था, उनके नाम बताया था। तो चलिए यहाँ पे कुछ ऐसे ही प्रश्न हैं जिनमें हमने में जो ये किरदार हैं महाभारत के, जो लोग महाभारत के, उनके नाम लिखने हैं। तो प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करो। यहाँ पे बच्चों पांडु के भाई का नाम पूछा गया है, तो पांडु के भाई का नाम क्या था? प्रश्न क आपने समझ लिया, ग में हमारे पास है पांडु के भाई का नाम क्या था। तो आज इसे हम समझ लेते हैं, फिर कल हम इसे लिख करके समझेंगे या अपने किताब में इस अभ्यास को पूरा करेंगे। तो पांडु के भाई का नाम धृतराष्ट्र था। पांडु के भाई का नाम धृतराष्ट्र था, सबसे बड़े तीरंदाज यानी तीर धनुष चलाने वाले। पांचों पांडवों में से सबसे बड़े तीरंदाज अर्जुन थे। जो अर्जुन थे वो तीरंदाजी में माहिर थे, इसलिए उनको सबसे बड़ा तीरंदाज कहा जाता था। तो दूसरे में हम लिखेंगे अर्जुन। तीसरा है कौरवों में सबसे बड़े भाई का नाम। कौरवों में सबसे बड़े भाई का नाम बच्चों क्या था? दुर्योधन। कौरवों में सबसे बड़े भाई का नाम दुर्योधन था। उसके बाद वह स्थान जहां महाभारत की लड़ाई हुई थी। बच्चों महाभारत की लड़ाई कहाँ हुई थी? कुरुक्षेत्र में हुई थी, तो हम यहाँ कुरुक्षेत्र लिखेंगे। उसके बाद अर्जुन के सारथी का नाम, सारथी का मतलब वह जो रथ चलाता है, रथ चलाने वाले को हम सारथी कहते हैं। तो महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण भगवान बने थे, तो यहाँ पे हम कृष्ण लिखेंगे। अर्जुन के सारथी का नाम था कृष्ण। उसके बाद कौरव पांडव के गुरु का नाम, बच्चों कौरव और पांडव के गुरु का नाम था द्रोणाचार्य। तो चलिए इनको हम लिख लेते हैं। ग में हमारे पास सबसे पहला है पांडु के भाई, भ पे आ की मात्रा, भाई का नाम। पांडु के भाई का क्या नाम था? नाम। हम यहाँ लिखेंगे धृतराष्ट्र, ध के नीचे रो आएंगे, धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र। पांडु के भाई का नाम था धृतराष्ट्र। उसके बाद हमारे पास है सबसे, एक हो गया, और दो है ये सबसे, स पे एक ही मात्रा, से सबसे बड़े, ब र पे एक ही मात्रा, डे तीरंदाज, त पे बड़ी की मात्रा, र पे बिंदी, दा ज सबसे बड़े तीरंदाज। सबसे बड़े तीरंदाज थे अर्जुन, इसलिए हम यहां लिखेंगे अर्जुन। अर्जुन सबसे बड़े तीरंदाज का नाम था अर्जुन। उसके बाद
कौरवों, तीसरे में हम लिखेंगे कौरवों, कौरवों, कौरवों में सबसे, में सब से, सबसे कौरवों में सबसे बड़े, बड़े एक ही मात्रा ने भाई, भाई का नाम, का नाम, कौरवों में सबसे बड़े भाई का नाम क्या था? दुर्योधन। तो हम यहाँ लिखेंगे डबे छोटे की मात्रा दुर्योधन, दुर्योधन। कौरवों में सबसे बड़े का नाम, भाई का नाम था दुर्योधन। उसके बाद हमारे पास है वह स्थान, चार में हम लिखेंगे वह स्थान जहां, वह स्थान जहां, ज ह पे आ की मात्रा चंद्रबिंदु, जहां महा भारत का युद्ध हुआ था, महाभारत की लड़ाई, लड़ाई या युद्ध भी लिख सकते हैं, यहाँ लड़ाई दिया है इसलिए हम लड़ाई लिखेंगे, लड़ाई हुई, आपकी छोटी की मात्रा हुई थी, जहाँ महाभारत की लड़ाई हुई थी। तो यहाँ हम लिखेंगे कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई हुई थी। तो हम यहाँ लिखेंगे कुरुक्षेत्र। पांडु के भाई का नाम धृतराष्ट्र था, सबसे बड़े तीरंदाज अर्जुन थे, कौरवों में सबसे बड़े भाई का नाम दुर्योधन था, वह स्थान जहाँ महाभारत की लड़ाई हुई थी वह है कुरुक्षेत्र। तो इस तरह से बच्चों हमने चार कर लिया, आगे के दो हम कल के वीडियो में करेंगे क्योंकि आज का समय समाप्त होता है। जो भी आज हमने पढ़ा लिखा आप उसे पढ़ लेंगे, अपनी क्लासबुक कॉपी में लिखेंगे और लिखने के बाद आप उसे याद करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना, अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का दिन मंगलमय।